लहरपुर कोतवाली परिसर में आगामी दुर्गा पूजा व दशहरा को लेकर उपजिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। बुधवार को स्थानीय कोतवाली परिसर में उपजिलाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी नवरात्र, दुर्गा पूजा व दशहरा और निकलने वाली शोभा यात्रा, विसर्जन यात्रा के बारे में लोगों से जानकारी ली गई, जिसमें प्रमुख रूप से देवी माता मंदिर केसरीगंज से निकलने वाली शोभा यात्रा, राम बारात, पक्का तालाब तीर्थ पर होने वाले सेतु लीला कार्यक्रम पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बैठक में मौजूद लोगों से क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली और सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की अपील की। पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली और सभी से प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि जहां पर भी पुलिस की आवश्यकता होगी, पुलिस हमेशा आपके साथ उपलब्ध रहेगी। उपजिलाधिकारी अनिल कुमार ने मौजूद लोगों को प्रशासन की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम के बारे में जानकारी दी और कहीं पर भी किसी तरह की विवाद की स्थिति न हो, उसके लिए समय रहते होने वाले कार्यक्रमों के रूपरेखा प्रशासन की निगरानी में तैयार करने की बात कही। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य मनोज गुप्ता उर्फ मिंटू, फुरकान मास्टर, गोलू रस्तोगी, भगवान दीन त्रिवेदी, सुधाकर मिश्रा भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, राजेश्वर रस्तोगी, विशाल कपूर, प्रधान विवेक शुक्ला, पवन गिरी, जीतू गोस्वामी, सभासद मनीष शुक्ला, मोहम्मद शुएब आलम, सुहेल खां, बसपा नगर अध्यक्ष अशद बेग, वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य व संभ्रांत लोग मौजूद रहे। लहरपुर नगर के मजासा चौराहे से आगामी पर्व को लेकर SDM व CO की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स ने किया रूट मार्च। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम उपजिलाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव, कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा, नगर चौकी प्रभारी रामा शरे चौधरी सहित भारी पुलिस फोर्स ने आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर के मजासा चौराहा से शहर बाजार, बिस्वा तिराहा गेट सहित विभिन्न मार्गों पर रूट मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने इस मौके पर आम जनमानस से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा।